जनरेटर के बारे में पढ़ा था कि एसी जनरेटर से हमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, जो हमने कॉइल को रोटेट कराया था, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो क्या हुआ था, ई इज इक्वल टू ईएमएफ दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ई को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ और पीक ईएमएफ साइन ओमेगा टी। टी है इंस्टेंटेनियस टाइम एंड ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी आपका बना रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका प्लेलिस्ट मतलब लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो एसी जनरेटर के बारे में। बात करते हैं कि हमें जो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, तो यहां पर प्रूव दैट मैथमेटिकली, ये पहला क्वेश्चन है। तो एसी करंट में आपने पढ़ा था कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है। एसी करंट, जैसे इंडियन एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है, 50 हर्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में 50 बार ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। यहां पर एसी करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, वेरिएबल करंट होता है, हाफ साइकिल में प्लस होता है, हाफ साइकिल में माइनस होता है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में प्लस माइनस 0 होता है। तो आप देखो हमें ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि एक क्लोज एसी ओवर क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल मतलब वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है ये जो आपका कॉइल है एक बार पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उससे जो अल्टरनेटिंग करंट बनता है, तो वो एवरेज वैल्यू उसका क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो +5 एम्पियर -5 एम्पियर, तो एवरेज कितना होगा, 0 होगा ओवर अ टाइम पीरियड टी। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट आई इज द अप्लाइड करंट टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो ये इस तरह का एक रेजिस्टेंस है आर, इसको हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल इस तरह से होता है, हमने इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कराया, तो आई करंट इसमें से जाएगा ऐसा। तो आई करंट एसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, करंट को रिप्रेजेंट करते थे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर आई क्या है, वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी करता है, क्योंकि साइन का फंक्शन है एसी करंट, है ना, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइन का फंक्शन है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 से 1 के बीच में वैरी करती है, -1 से 0 से, -1 से +1 के बीच में वैरी करती है, तो इसके बीच में कुछ भी कम से ज्यादा होगा, है ना, 0 से बढ़ेगा 1 तक, 1 से कम होगा, यानी ये टर्म वेरिएबल है, ये तो मैक्सिमम कांस्टेंट करंट है जो हमको मिलता है, इसको हम पीक करंट कहते हैं, ये वेरिएबल करंट है टी टाइम में, जितनी बार घूमेगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो जब हम इसमें आई करंट अप्लाई करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि स्मॉल टाइम डी टी, लेट स्मॉल टाइम डी टी टाइम के लिए आई ओवर अ क्लोज आई ओवर अ सर्किट इज कॉन्स्टेंट। देखो आई तो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, हमने ऐसा माना कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट फॉर ए छोटे, फॉर ए स्मॉल टाइम दैट इज डी टी। तो डेफिनेशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, और एवरेज करंट का क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। तो हम अगर डी क्यू निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था, आई नोट साइन ओमेगा टी, हम यहाँ पर आई नोट साइन ओमेगा टी को लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ओवर ए वन साइकिल, फॉर वन साइकिल, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ओवर वन साइकिल मतलब एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, टी होता है, एक साइकिल का मतलब होता है, ये देखो यहां से ऐसे गया ऐसे, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है, कैपिटल टी, ठीक है। तो लिमिट क्या देंगे, टाइम का लिमिट क्या देंगे, टाइम का लिमिट देंगे 0 से लेकर t तक, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और साथ में देखो टी के साथ में ओमेगा है तो ओमेगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी था, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, टी इज द टाइम पीरियड, ये इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी होता है, और टी होता है एक साइकिल का टाइम पीरियड, यहां से यहां प्लस माइनस एक साइकिल का टाइम पीरियड को टी कहते हैं। और मान लो 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक अगर वो मोटर मतलब आर्मेचर कोयल घूम रहा है तो वो टाइम टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/T। यहां पर ये दोनों टर्म कॉन्स्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाला, माइनस को भी बाहर निकाल दिया,
अब टी के जगह में हम कहां पर टी पुट करेंगे, इस टी के जगह में इस टी को पुट करेंगे, ठीक है। और ओमेगा के जगह में क्या पुट कर देंगे, 2π/t। तो टी टी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ये देखो टी टी कैंसिल हो गया, मीन्स 2π बचा है। तो 2π की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। 360, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 2π के मतलब होता है 360, एंड कॉस 2π की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, सॉरी 1 होती है ना, 1 होती है। तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे, 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, दैट्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आई, 0। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, q/t, ये 0 है, ये कुछ भी रहे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल गया, आई एवरेज 0। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या मिल गया, करंट, एवरेज करंट कितनी होती है, एवरेज करंट की बात करो क्या होती है, 0 होता है। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन का मेथड से हम प्रूफ कर दिए, अभी हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट है प्रूव दैट मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल इज 0। हाफ साइकिल का मतलब ये तो फुल साइकिल था, हाफ साइकिल के लिए हमको निकालना है कि 0 नहीं है, कितना होगा वो निकालना क्वेश्चन है। अभी तो इससे पहले वाले में निकाले कि फुल साइकिल के लिए 0 था, अभी हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो वही लिखेंगे, आई इज द अप्लाइड करंट टू द रेजिस्टेंस इन एसी, करंट को, वेरिएबल करंट को इस तरह से डिफाइन किया गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमें ऑल्टरनेटिंग जनरेटर से मिला था, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया, ये सर्किट बना लेना, यहाँ से करंट जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट जा रहा है, हमने क्या माना टी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आई क्या है, कॉन्स्टेंट, नहीं तो अगर हम कॉन्स्टेंट नहीं मानेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने, हम क्या जानते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt। तो हमें क्या मिला, और एवरेज, सुनो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से, अभी टाइम चेंज हो गया ना, फुल साइकिल के लिए q/t लिख सकते थे, नहीं तो उसमें भी तुम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, 0 से t i/dt अपॉन 0 से t/dt, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फुल साइकिल के लिए अगर आपको लिखना था इसके लिए, तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आई एवरेज, ये तो हाफ साइकिल के लिए है ना, ये किसके लिए, हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल के लिए है, फुल साइकिल का मतलब ये पूरा होता है। तो अगर हम हाफ साइकिल के लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो फुल साइकिल के लिए क्या लिखते हैं इस टर्म में, तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है i/dt 0 से लेकर के t लिखते, और यहाँ क्या लिखते, 0 से t/dt, ये फॉर्मूला होता। लेकिन हमने क्या लिखा था, फुल साइकिल के लिए डायरेक्ट लिख दिए थे, जो हमने मिटा दिया, या फिर क्या लिखे थे, q/t, इससे भी काम हो जाएगा, दोनों सही है फुल साइकिल के। लेकिन अगर और कोई साइकिल है तो आपको इस तरह से लिखना है, कौन से टाइम के लिए, हाफ साइकिल, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ। फुल टाइम पीरियड कितना होता था, कैपिटल टी, तो हाफ कितना होता है, t/2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या किया गया है यहां पर, इंटीग्रेट किया गया, कैसे इंटीग्रेट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम पहले इसकी वैल्यू को निकालेंगे न्यूमरेटर की, तो इसको हमने साइड में लिख दिया, 0 से t/2, आई इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो साथ में रहता है ना, देखो ओमेगा साथ में है ना, तो ये साथ वाला चीज कहाँ आ जाता है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी होगा, और ओमेगा साथ में इसलिए नीचे आ गया, और साइन का माइनस होता है, ठीक है। फिर इसे हम माइनस को बाहर ले लेंगे, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 से t/2 है, हाफ हाफ पीरियड में निकाल रहे हैं, तो आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नोट कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट जो है t/2 है, तो t/2 पुट करेंगे, ओमेगा का जगह में क्या लिख सकते थे, 2π/t, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखती है, 2π/t, और t के जगह में क्या लिख देंगे, t के जगह में क्या लिखेंगे, t/2, तो ये t और ये t कट जाए, 2 2 कट गया, तो क्या बचा, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए तो पहले से माइनस था, तो ये क्या हो गया, -1 -1 -2 प्लस, तो क्या आया, 2i0/ओमेगा, ठीक है। अब फ्रॉम 1 1 क्या है, ये इक्वेशन था, हमको तो एवरेज करंट निकालना ओवर हाफ साइकिल, क्वेश्चन तो यही है, मैथमेटिकली प्रूफ करना कि कितना होगा उसकी वैल्यू,
तो फ्रॉम वन ये वैल्यू तो निकल चुका है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस इसकी फॉर्मूला लिख दिए। डी टी का क्या होगा, टी जीरो से टी बाई टू, डी टी का टी होगा, लिमिट पुट करेंगे तो टी बाई टू आया। अब हम इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिला, ये देखो, टू आई नोट बाई टू आई नोट है ना ओमेगा टी। अब ओमेगा का जगह में क्या लिख देंगे, टू पाई बाई टी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी। तो फ्रॉम टू इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे टू, इसका वन लिखे थे इसका टू लिख देंगे। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल इज ओमेगा टी के जगह में लिख दिए, सॉरी ओमेगा के जगह में क्या लिख दिया, टू पाई बाई टी। ये नीचे में टी था, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये टी कट गया, टू और टू कट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, टू आई नोट बाई पाई, और आई टू बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0.637। और पहले से आई नोट है तो एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल क्या होता है, मैक्सिमम का 50% नहीं, देखो 50% नहीं है, कितना है, 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और फुल साइकिल में कितना आया था, जीरो एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये दोनों क्वेश्चन, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आरएमएस करंट। और इसका दूसरा नाम होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं। आई इफेक्टिव, आई आरएमएस और आई वर्चुअल तीनों एक ही है, अलग अलग नाम है, तीनों का फंक्शन वही है, तीनों सेम ही करंट है। रूट मीन स्क्वायर मीन्स आई का स्क्वायर करेंगे, करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसको रूट अंडर कर देंगे, तो वो जो करंट होगा उस करंट का नाम है आरएमएस करंट। हमारे घर में जो करंट, देखो पावर प्लांट में जो करंट बनता है उसका नाम क्या था, आई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्यों बन रहा था, साइन का फंक्शन में टर्बाइन के रोटेशन से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये करंट हमें प्रोड्यूस हो रहा था। बात है आई नोट है मैक्सिमम वैल्यू, यह है इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी टाइम पे करंट कितना है, ठीक है। अब बात आता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इससे पहले आपको बताएं कि क्लोज साइकिल में जीरो होता है, ठीक है ना। तो आरएमएस, हमारे घर में जो करंट आ रहा है उस करंट का नाम है आरएमएस करंट। जैसे हमारे घर में जैसे लिखा रहता है ना कि 220 वोल्ट या 240 वोल्ट लिखा है, तो ये कौन सा वोल्टेज है, ये ई आरएमएस है, ठीक है। हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सी करंट है, आई आरएमएस करंट हमारे घर में फ्लो करती है, ठीक है, क्योंकि टरबाइन में जो बनती है वही नहीं आती है। अब ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, वन मार्क्स क्वेश्चन आया, और इसका डेरिवेशन आता है कि इफेक्टिव वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है, आई आरएमएस और आई नॉट में क्या रिलेशन होता है। जैसे आई एवरेज अभी आपको बताए थे प्रूफ करके कि ओवर ए क्लोज साइकिल जीरो होता है, मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल में, और हाफ साइकिल में बताए थे 6.637% ऑफ, मतलब 0.637 ऑफ आई एवरेज की वैल्यू ऐसा निकाले थे, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नोट। अभी हम जानेंगे कि आई आरएमएस आखिर क्या है इन टर्म्स ऑफ आई नोट, ये रिलेशन निकालेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेरिवेशन। पहले ये समझ लेते हैं कि आरएमएस क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब जो करंट हमें बैटरी से मिलती है, विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन ए गिवन रेजिस्टर एज इट इज प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट फॉर द सेम टाइम। कहने का मतलब हमने दो रेजिस्टर लिया, एक से पहले एसी करंट पास कराया टी टाइम के लिए, ये दूसरा रजिस्टर है जो सेम है, अलग दोनों सेम रजिस्टर है, इसमें हमने एसी करंट पास कराया, इसमें हमने डीसी करंट पास कराया, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो आप जानते हो कि रजिस्टर है, करंट जा रहा है तो हीट डिसिपिएट करेगा, अगर बल्ब रहता तो हीट ग्लो करता या डिसिपिएट करता, तो इसने जो हीट डेवलप जो डिसिपिएट किया, जूल्स लॉ के हिसाब से आपने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, तो मान लो इसने जो हीट डिसिपिएट किया उसका नाम मैं दे रहा हूँ एच टू, तो इसने क्या डिसिपिएट किया, एच वन। अगर हम आई ए सी ओवर क्लोज साइकिल की बात करें तब तो जीरो हो जाएगा, और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, जूल्स लॉ के हिसाब से, जूल्स लॉ के हिसाब से एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, बट इन क्लोज साइकिल एक फुल साइकिल में आई ए सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हीट निकालने के लिए, तो एक्चुअली में क्या है, करंट तो आ रहा है, रजिस्टर तो है, हीट तो बनेगा ही, तो कौन से करंट के कारण हीट बनता है,
वो करंट को नाम दिया गया आरएमएस करंट। ठीक है, मतलब जो हीट इससे बन, मतलब एक तरह से आईआरएमएस एक ऐसा करंट है, ध्यान से सुनो, आईआरएमएस एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू इससे जो हीट प्रोड्यूस होगा, इससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डीसी करंट से भी वही हीट प्रोड्यूस होगा सेम टाइम के लिए सेम रेजिस्टर पे। ठीक है, तो आरएमएस कर, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि करंट जीरो हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट अगर पास करेगा तो हीट तो बनेगा ही, तो वो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना गया है, एक करंट का नाम दिया गया जिसका नाम था आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट, ऐसी करंट जिससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट डीसी करंट के हीट के बराबर होगी सेम प्रोवाइडेड सेम रजिस्टर सेम टाइम के लिए। मान ले 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 मिनट के लिए हमने उससे करंट पास कराया, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें भी 2 मिनट के लिए हमने करंट पास कराया, एक में से एसी कराया एक में से डीसी कराया, दोनों में हीट डेवलप होगा, वो दोनों हीट क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पर आई एसी का क्या नाम दें, एवरेज तो नहीं दे सकते, फुल साइकिल तो नहीं दे सकते, इंस्टेंटेनियस तो नहीं दे सकते, तो हमने एक नाम डिजाइन किया आरएमएस। तो आरएमएस के कारण है ना, आरएमएस के कारण वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और वो हीट सेम होता है डीसी करंट के बराबर, मुकाबले मतलब सेम एसी से और डीसी से हीट क्या होता है, सेम होता है, प्रोवाइडेड द करंट मस्ट बी आई आरएमएस। ये मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको, ठीक है, प्रूव कर लो, इसलिए आरएमएस इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूं इसको। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस एंड आई नॉट। आई आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और पीक करंट दैट इज आई नॉट, इसके बीच में रिलेशन आपको डिराइव करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आप क्या करना, लेट अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू अल्टरनेटिंग करंट का ये फॉर्मूला होता है जो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, है ना, जनरेटर से मिलता है ये करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट हम पास करेंगे किससे, रजिस्टर से। जैसे ये रजिस्टर है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से। ठीक है, तो यहाँ ये इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो करंट भी पास करेगा, वो करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये तो वेरिएबल करंट है, हमने क्या माना है डी टी टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम, 0.000। कभी भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो आपने पढ़ा होगा 11th में कि हम स्मॉल इंटरवल में उसको तोड़ करके प्रोसेस को करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या माना है कि डी टी टाइम के लिए करंट क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, डी टी टाइम के लिए करंट क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, हमने ये करंट पास कराया है, डी टी टाइम के लिए करंट कॉन्स्टेंट है। तो डी टी टाइम के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तो वो जो हीट बनेगा डी टी टाइम के लिए, टी एच के लिए फॉर्मूला क्या होता था, आई स्क्वायर आर टी, लेकिन डी टी टाइम के लिए स्मॉल हीट जनरेट होगा, कम टाइम के लिए कम हीट जनरेट होगा, और उस हीट का नाम क्या होगा, डी एच, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ये जूल्स लॉ का फॉर्मूला है। अब एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, कंप्लीट साइकिल का मतलब टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा 0 से T तक, लिमिट आपको पुट करना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, अब हम क्या मानेंगे कि लेट आई इफेक्टिव इज द वैल्यू ऑफ एसी फॉर टाइम टी। हमने क्या माना, आई इफेक्टिव जो है वो, लेट आई इफेक्टिव इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर टाइम टी, जो टी टाइम के लिए जो करंट पास हो रहा है 1 साइकिल के लिए, उस करंट का नाम हमने क्या नाम दे दिया, आई इफेक्टिव। ठीक है, क्या नाम दिया, टी टाइम के लिए। ये तो बाय डेफिनेशन आया, इंस्टेंटेनियस करंट का ये फॉर्मूला हो गया, डीएच का ये फॉर्मूला हो गया, बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली वी कैन राइट एच इज इक्वल टू 0 से T आई स्क्वायर आर टी। कंप्लीट साइकिल में लिमिट क्या होगा, 0 से T होगा, हाफ साइकिल में T/2 होता है, ये तो बाय डेफिनेशन आया। अब हमने क्या माना कि लेट वो जो करंट है, उस करंट का नाम क्या मैंने मान लिया, आई इफेक्टिव, कौन से टाइम तक, टी टाइम तक। और टी टाइम क्या है, 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल मतलब यहां से यहां तक के प्लस माइनस, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ द जनरेटर का जो कॉइल होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको 1 साइकिल कहते हैं, एक बार घूमने से। ठीक है, तो हमने क्या माना, लेट आई इफेक्टिव इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर टाइम टी। तो अगर इफेक्टिव करंट माने हैं टी टाइम के लिए, तो हीट का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई की जगह क्या लिख देंगे, आई इफेक्टिव। बाय डेफिनेशन क्या है, ये मैथमेटिकली और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, आर आर कैंसिल हो गया, तो आई इफेक्टिव क्या मिल रहा है, देखो
ये टी नीचे चला जाएगा, मीन्स वन बाई टी आई स्क्वायर डी टी। अब ये टर्म क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ओवर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई बाई टी टी, ये इसको हम कहते हैं एवरेज करंट या मीन। मीन ऑफ करंट क्या होता है, आई डी टी डिवाइड बाई आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई टी अगर करते थे, यही था ना, एवरेज निकालते थे तो ऐसे लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी, ये जीरो से टी था, ये एवरेज करंट निकालने का तरीका था, ठीक है ना। यहां पर तो हम इसको क्या कहते हैं, मीन। यहां पर देखो पावर वन नहीं है, पावर टू है। ये टर्म अगर सिर्फ रहता, स्क्वायर नहीं रहता, तो हम इसको क्या कहते हैं, मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। क्योंकि यहां पर स्क्वायर वाला टर्म आया है, इसलिए नाम क्या पड़ा, मीन ऑफ स्क्वायर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अगर यहां स्क्वायर नहीं रहता तो इसका नाम क्या पड़ रहा था, मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर स्क्वायर वाला टर्म रह गया, ठीक है ना, तो इसे आई इफेक्टिव कहेंगे, आई इफेक्टिव स्क्वायर। तो आई इफेक्टिव क्या है, आई इफेक्टिव यहाँ स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा रूट अंडर। जब रूट अंडर कर देंगे तो नाम क्या पड़ गया, देखो मीन तो है, स्क्वायर है, अब रूट भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रूट मीन स्क्वायर। मतलब करंट का स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे और उसको रूट कर देंगे तो हमें आई इफेक्टिव की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, जैसे अगर कोई सर्किट में करंट जा रहा है ना, मान लो 2 एम्पेयर जा रहा है, तो +2 एम्पेयर -2 एम्पेयर जाता है कि नहीं, ऐसी करंट तो ही होगा +2 -2 ऐसा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे आई, पहले हम निकालेंगे आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम निकालेंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 4। तो पहले करंट वेरिएबल कर रहा है, कभी 2 जा रहा है, कभी 3 जा रहा है, कभी 4 जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, 2 3 4 जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो स्क्वायर भी निकल गया, मीन भी निकल गया, और उसका रूट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर करंट। और उससे जो, क्योंकि करंट तो वेरिएबल कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कंपलसरी है कि 2 एम्पेयर ही जाएगा। करंट कैसे चेंज हो रहा है बताओ, करंट चेंज होगा यहां पर, पहले गया 2, फिर गया 3, फिर गया 4, तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, +2 -2 हो रहा है, तो स्क्वायर निकालोगे तो 2 स्क्वायर, इसका निकालोगे तो 3 स्क्वायर, इसका निकालोगे 4 स्क्वायर। और इसका मीन कैसे निकालोगे, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और इसका रूट कर दोगे तो इसका आरएमएस करंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया गया है, ठीक है ना, यहां पर वही है, तो ये आरएमएस करंट होता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1/T टाइम पीरियड है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लिए, आई तो इंस्टेंटेनियस करंट था, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता था, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह आई नोट लिखेंगे, तो यहाँ ये आई नोट हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो साइन के ऊपर क्या होगा, सिंस आई इज व्हाट, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों में स्क्वायर है, साथ में है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये टर्म तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे, लेकिन सिंस यहां पर देखो रूट में है ना, तो हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम ये टर्म को सॉल्व करेंगे अभी और आपको फिर बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां तक तो तुमको समझ में आ गया होगा हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 1/√t था है ना, ये रूट में था यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, हम पहले ये वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले टर्म को, ठीक है, हम 1/t को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कौन से पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, 0 से t i² dt, ठीक है, i की जगह में क्या लिखेंगे, आई नोट स्क्वायर, आई नोट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आप यहां तक पहले नोट कर लो आप, फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां से हमने ये लिख लिया यहाँ पर i² dt, ठीक है, ये पार्ट को अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या इक्वेशन था बताओ, ये इक्वेशन था ना, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन था हमारे पास, अब हमको इसको सॉल्व करना है, यही तो है। तो पहले हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये वाले, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अलग से किया, यहां पर 0 से t आई की जगह क्या लिखेंगे, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी टी, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है,
आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर है, अब ये वाले पार्ट में भी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर नहीं करते हैं, या तो साइन स्क्वायर यहाँ करते हैं या तो पूरा में करते हैं, तो यहाँ साइन के एन के ऊपर स्क्वायर कर दिए, इसलिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक, ओमेगा टी है। सॉल्व करेंगे, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, पी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही होती है। अब साइन स्क्वायर थीटा का आपने पढ़ा होगा 11th में, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो थीटा की जगह क्या लिखती है, ओमेगा टी, और नीचे में 2 था, एज इट इज लिखती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, वही लिखती है एज इट इज इसकी जगह, आई नोट तो था यहाँ पर, है कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अब ये dt एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रेशन एक बार इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए विद प्रॉपर लिमिट, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t होगा, d और ये कट जाता, पता आपको इंटीग्रेशन में t आया, लिमिट लिख देंगे t से 0, ये टर्म को साथ में क्या है, साथ में है मतलब मल्टीप्लाई है कि नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिए, माइनस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से टी, है कि नहीं। फिर क्या कर दिया, देखो अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, देखो मैंने यहाँ लिखा है अलग से, फिर से बता दे रहा हूँ, ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है, क्योंकि कैंसिल करना ना लिमिट को, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, क्योंकि हमको ये टी को इसके साथ कैंसिल करना है, इसलिए हम ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यही सेम चीज को यहाँ पर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ये आई नोट बाई टू दोनों सबके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, है ना, इस तरह से, तो ये टी आ गया, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो टी मिल जाएगा हमें, माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 पाई बाई टी, और टी की जगह लिमिट हमेशा वेरिएबल में पुट होता है, क्योंकि यहाँ टाइम वेरिएबल था ना, तो इसलिए हम यहाँ पर टी आया है तो टी के जगह में टी पुट कर देंगे, तो 2 पाई बाई टी और ये टी इसके जगह में पुट कर दिए, तो ये टी और ये टी कट गया, कितना बचा, 2 इंटू 2 4 पाई, साइन 4 पाई का 0 वैल्यू कितना होता है, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, 4 तो इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर 0 होता है, याद रखना, साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता ना, ये 1 पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, तो हर एक पाई में साइन की वैल्यू देखो, ये 0 होती है, यहाँ 0 0, ठीक है, तो ये साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और आपको लिमिट क्या पुट करना था, देखो 0 पुट करना था टी के जगह में, तो किसी भी के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ साइन 0 अपने को 0 मिल गया, है ना, अब ये टर्म भी 0 मिला, ये टर्म भी 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, 0 से किसी को भी यहाँ कुछ भी नंबर है डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये टी था, टी लिख दिए, सॉल्व किए तो हमको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, आई स्क्वायर बाई टी 2, यहाँ पर ये मिल गया। अब हमने डेफिनेशन क्या बताया था इफेक्टिव का, 1/√t था, तो यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिए, इसकी जगह में हमने सॉल्व करके वहाँ से सॉल्व करते हुए देखो इतना बड़ा प्रोसेस से सॉल्व करके ये निकाले, तो आपको ये वैल्यू को यहाँ से उठा करके जो वैल्यू है ये वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देना है, और यही क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो जब हम इसको यहाँ रख देते हैं तो ये टी और ये टी कट जाएगा, है ना, रूट टू है, रूट में है तो नीचे में क्या आया, 1/√2 आया, और आई नोट स्क्वायर है इसका, ये करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आई नोट आया, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट कितना है, 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू कितनी होती है, 70.7% ऑफ, क्योंकि परसेंट क्या होता है, इसको ऐसे तो लिख सकते थे 70.7/100, कोई भी चीज 100 में रहता तो परसेंटेज कहलाता है, यानी 70.7 या 0.707 भी कह सकते हो टाइम्स मैक्सिमम करंट, दैट इज पीक करंट, ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है वो 1/√2 टाइम्स पीक करंट होता है, क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है 1/√2 टाइम्स पीक करंट होता है, तो आज, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट है।